नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्नाटक के नेता डीके शिवकुमार अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, वहां अपने मतदाताओं से बातचीत कर रहे थे और उनका मुख्यमंत्री ना बनाए जाने का दर्द छलक ही गया। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी, कई दौर की मुलाकात के बाद उन्होंने मुझसे धैर्य रखने को कहा और मैंने उनकी सलाह मान ली और आपने तो मुझे मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में वोट दिया था, आपकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई, इसका मुझे दुख है, लेकिन सोनिया गांधी को मैं माँ की तरह मानता हूँ, इसलिए उन्होंने जो कहा उस पर सलाह करके अब धैर्य रखे हुए हूँ। अब ये धैर्य रखने की जो सलाह है, ये कांग्रेस नेतृत्व ने कोई पहली बार तो किसी नेता को नहीं दी है। इससे पहले जरा याद करिए, सचिन पायलट राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हीं के नेतृत्व में पिछला चुनाव लड़ा गया था और ये माना जाता है कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई तो उसमें सचिन पायलट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि दिन रात उन्होंने पूरे राजस्थान में परिश्रम किया था, मेहनत की थी, मतदाताओं को तैयार किया था वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन हुआ क्या, वहां पर भी जो उम्र दराज थे सिद्धारमैया की तरह, अशोक गहलोत को फिर से राजस्थान की कमान सौंप दी गई, वहां भी सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। यहां की तरह कर्नाटक में डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद जो झगड़े थे, जो मतभेद थे राजस्थान में दोनों नेताओं के बीच में, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में और इनके समर्थकों के बीच में भी, वो किस तरह से सड़कों पर आए और कितना बड़ा असंतोष पैदा हुआ था, इसके बाद उसको किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल किया गया। उस समय अहमद पटेल थे, उन्होंने पहल की थी, प्रियंका गांधी वाड्रा बीच में पड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें वहाँ कभी भी सुधर नहीं पाई। यहाँ तक के सचिन पायलट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, उप मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, इनके कुछ समर्थकों ने कैबिनेट छोड़ दी और आज की तारीख में भी, अभी 3-4 दिन पहले ही 4-4.5 घंटे की बैठक हुई है जिसमें सचिन पायलट भी बुलाए गए थे, अशोक गहलोत भी बुलाए गए थे, वहाँ के प्रभारी थे राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे। दावा किया गया कि मामला सुलझा लिया गया है, दोनों मिल करके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगले 10-15 दिन में आप फिर देखेंगे कि उनके सींग आपस में भिड़ते हुए दिखाई देंगे। दूसरा स्टेट जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसी तरीके से धैर्य रखने को कहा गया था, मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये सब लगे हुए थे और कम से कम ये ऐसी कंडीशन में कांग्रेस को ले आए जहां भारतीय जनता पार्टी पर मामूली सी बढ़त इनको मिल गई और कमलनाथ को वहां मुख्यमंत्री बना दिया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं बनाया गया, जबकि दावा वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को धैर्य रखने के लिए कहा गया, वो भी धैर्य रख करके बैठ गए, लेकिन बाद में ना उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ना उनको राज्यसभा में भेजा गया, ना उनको और उनके जो साथी थे विधायक चुन करके आए थे उनको प्रॉपर रिगार्ड दिया गया, बल्कि कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसे कारनामे हुए जिनसे ज्योतिरादित्य सिंधिया बुरी तरीके से चिढ़ गए और उन्होंने कांग्रेस में एक बड़ी बगावत कर दी। उनके समर्थक 22 एमएलए ने विधानसभा की सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया।
नतीजा ये हुआ कि कमलनाथ की सरकार गिर गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। जब उन 22 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए तो अधिकांश सीटों पर फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो समर्थक एमएलए जिन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था चुन करके वापस लौट आए, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं। एक और स्टेट जिसमें याद दिलाना चाहेंगे कि वहाँ भी ऐसे ही धैर्य रखने को कहा था, बल्कि 2.5 साल बाद उनको सीएम बनाने के संकेत दिए गए थे, और वो स्टेट है छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल को वहाँ चीफ मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन टी सिंह देव को मुख्यमंत्री बनाने का संकेत दिया गया 2.5 साल बाद। उनको भी धैर्य रखने को कहा गया, तो वो घड़ी कभी नहीं आई कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते और टी सिंह देव वहाँ के मुख्यमंत्री बन पाते। उनके बयान भी आप उठा करके देख लीजिए, लगातार उनके बयान आते ही रहते हैं, यानी असंतोष वहाँ भी है। और पंजाब का तो उदाहरण हमारे सामने है, उसे तो भुलाया नहीं जा सकता। किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में 2017 में कांग्रेस जीती और 77 सीटों के साथ जीती, उनको मुख्यमंत्री बनाया भी गया, लेकिन जो 10 जनपद में बैठे हुए लोग हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, उनकी ईगो साथ में आसमान पर रहती है। और पंजाब में अल्टीमेटली ये हुआ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक तरीके से बेइज्जत करके मुख्यमंत्री पद से रुखसत किया गया। उनकी अनिच्छा के बावजूद उनके मुख्यमंत्री रहते हुए नवजोत सिद्धू को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। उनके जो साथ काम कर रहे थे मिलकर के सुनील जाखड़, उनको हटा दिया गया, और बाद में खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिन पर अब तमाम तरह की जांच आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। उनके खिलाफ गंभीर एलिगेशन लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उनके भतीजे ने किसी खिलाड़ी से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, ऐसे आरोप हैं। कई खनन वगैरह का भी उन पर मामले हैं, और कुछ दूसरे विवादों में भी वो घिरे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। अलग अलग राज्यों में आप जो संघर्ष करते हैं जमीन पर, उनको तो कहते हैं कि आप धैर्य रखिए, समय आने पर आपको पद मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी खुद धैर्य रखने को तैयार नहीं हैं। वो हमला तो करते हैं नरेंद्र मोदी पर ऐसा लगता है कि उनकी शिकायत है भारत की जनता से, जो उनको और कांग्रेस को सीरियसली लेती ही नहीं है। 2014 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, और अभी भी अधिकांश राज्यों में क्या हो रहा है, ये हमारे आपके सबके सामने है। हिमाचल और कर्नाटक की हाल की अगर इनकी जीत को छोड़ दें, तो पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस लगातार राज्य दर राज्य चुनाव हारती जा रही है, और अभी भी बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की जो हालत है वो बेहद ख़राब है। उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि कौन से ऐसे प्रदेश हैं जहां कांग्रेस पार्टी को सीटें नहीं मिल रही हैं, और ये बड़े राज्य हैं जिनमें सीटें नहीं मिल रही हैं, और वोट अप परसेंटेज, जिसको वोट शेयर कहते हैं, वो भी रसातल में पहुंच गया है। तो राहुल गांधी जो कभी लंदन जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, देश के भीतर भी तमाम तरह के बयान देते ही रहते हैं और अलग अलग विषयों को लेकर के बयान देते रहते हैं। अभी अमेरिका थे तो नई पार्लियामेंट के अवसर पर राजदंड ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो साष्टांग प्रणाम किया था उसको, उसका भी उन्होंने मजाक उड़ाया। यानी एक तरीके से ये जो भारतीय संस्कृति है उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते हैं, और ये आत्ममंथन भी नहीं करते हैं कि कांग्रेस की जो दुर्दशा है इसकी वजह क्या है। इनका बड़बोलापन, इनकी नासमझी, विषयों का ज्ञान ना होते हुए भी उन पर बयानबाजी करना और बाद में गलत साबित होना,
ये हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर के भी कोविड काल में जिस तरह के बयान इन्होंने दिए थे, और अब रघुराम राजन के साथ एक इंटरव्यू इन्होंने किया था, उस समय इनके सिर पर ये धुन सवार थी कि मुझे जो अर्थशास्त्री हैं उनके इंटरव्यूज़ करने चाहिए। तो उस समय रघुराम राजन ने कहा था कि 2022-23 में अगर भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी, अर्थव्यवस्था नहीं जीडीपी, अगर 5% की दर से भी आगे बढ़े तो ये अहोभाग्य होगा। लेकिन हुआ क्या, 7.2% से वो आगे बढ़ी। यानी उन्होंने जो इच्छा जाहिर की थी या संभावना व्यक्त की थी उससे भी 2.2% अधिक गति से भारत की जीडीपी आगे बढ़ी है। पूरी दुनिया इस समय भारत की तारीफ कर रही है, लेकिन केवल कांग्रेस है जिसको कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तो ये अंक चूंकि मैंने डीके शिवकुमार के बयान से शुरू किया था, कर्नाटक में जो उनका दर्द उभरा है कि मुझे कांग्रेस हाईकमान ने धैर्य रखने को कहा है और आपने तो मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही मत दिया था, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। तो वैसा भाव राहुल गांधी का नहीं है। राहुल गांधी को वैसे भारत की जनता कितना सीरियसली लेती है, ये कर्नाटक के जब चुनाव नतीजे आ रहे थे तो आज तक पर जिस कंपनी ने इंडिया एक्सेस माइक इंडिया कंपनी ने किया था, एग्जिट पोल किया था, उसके जो सर्वे सर्वा हैं गुप्ता, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी के नाम पर 1% से भी कम लोगों ने कर्नाटक में वोट दिया है। वहाँ सत्ता बदलने के या कांग्रेस को बहुमत मिलने के दूसरे कारण हैं। तो ये अपने बारे में गलतफहमी त्यागने को तैयार नहीं है, और जो जमीन पर अलग अलग राज्यों में काम करने वाले हैं जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है, उनको कहते हैं कि आप धैर्य रखिए, खुद धैर्य रखने को तैयार नहीं दिखते रहते। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।